तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं, उसमें कुछ ये क्वेश्चंस हैं और कुछ ये क्वेश्चंस हैं। तो इसके कुछ आंसर्स कॉन्सेप्चुअली आपको डिस्कस करने को कहे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर। डोमेन पिक्चर किसमें था? फेरो में वॉल्यूम होते थे डोमेन, जिसमें बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स हुआ करते थे। दी इरिवर्सिबिलिटी इन दी मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ फेरो मैग्नेट। ये क्या है इरिवर्सिबल? क्या है इरिवर्सिबल? है कि आपकी डोमेन्स एक बार अलाइन हो चुकी हैं और आपका सब्सटेंस क्या बन गया है? मैग्नेटिक। आप चाहते हो डीमैग्नेटाइज हो जाए, इरिवर्सिबल हो गया भाई, वापस हो गया या रिवर्सिबल हो गया। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ फेरो मैग्नेट। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब कि आपको लोहे का पीस दिया था, पर वो आप जब उसको आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो वापस मैग्नेट ही रह गया, वो लोहा नहीं बन पाया, इरिवर्सिबल हो गया। राइट, इरिवर्सिबल, इसको डिस्कस करो। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कुछ नहीं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि पहले आप उसको मैग्नेटाइज करते हो, एच अप्लाई करते हो, वो आई इंक्रीज होता है, फिर एच जीरो करते हो, आई बाद में जीरो होता है, जब आप रिवर्स एच को अप्लाई करते हो। तो इस तरीके से इसके डिस्कशन है, अपने वर्ड में लिख सकते हो। इसने ऐसे लिखा, इफ यू कंसिडर मैग्नेटाइजेशन कर्व बी एंड एच कर्व, या आई और एच कर्व बोलना चाहिए, आई या एच कर्व फॉर अ फेरो सब्सटेंस, देन इंक्रीजिंग एच मीन्स अलाइनमेंट एंड मर्जर ऑफ डोमेन्स एंड कंसिक्वेंटली राइज इन द वैल्यू ऑफ बी। कह रहे अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया ना, तो डोमेन अलाइन हो गई, एक्सचेंज कपलिंग बताया था प्रोसेस, और सारी डोमेन एक जैसी हो गई, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। नाउ इवन एच इज मेड जीरो, मैंने एच हटा दिया बाहर से, तो भी सब्सटेंस वापस आयरन नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा? मैग्नेट ही रहेगा। उसने एग्जाम्पल से डिस्कस कर दिया। तो समझ में आ रहा है इसका आंसर कैसे आएगा एक नंबर में? तो समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन, वर्ड्स अपने यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, हिस्टैरिसिस लूप ऑफ अ सॉफ्ट आयरन पीस हैज अ मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ अ कार्बन स्टील पीस। हमने किया था हिस्टैरिसिस में एरिया एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है। इफ द मटीरियल इज टू गो थ्रू रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। विच पीस विल डिसिपेट ग्रेटर हीट एनर्जी, जिसका एरिया ज्यादा है, किसका? स्टील। स्टील का एरिया ज्यादा था, याद है, सॉफ्ट आयरन कोर और स्टील। स्टील आंसर है इसका, राइट, क्लियर है। ये देखो, अ सिस्टम डिस्प्लेइंग अ हिस्टेरेसिस लूप सच एज फेरो मैग्नेट, तो एक फेरो मैग्नेट सब्सटेंस है, तो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन चला दिया, जिसमें उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते गए। तो एक बार एक हिस्टैरिसिस चलाने का मतलब एक साइकिल होना, दूसरी बार चलाने का मतलब एक और साइकिल होना, ऐसे एंड टाइम चलाने का मतलब एन साइकिल्स होने, तो एन साइकिल्स हो गए। अ सिस्टम डिस्प्लेइंग हिस्टैरिसिस लूप सच एज फेरो मैग्नेट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी। एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। कह रहे जो मटीरियल हिस्टैरिसिस फॉलो करता है, जैसे फेरो मैग्नेट, वो मेमोरी बनाने के काम आता है कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर वर्ड यूज नहीं है, मेमोरी तो कंप्यूटर और ये फोन वगैरह में यूज होती है। तो मेमोरी बनाने के अंदर कौन सा मटेरियल काम आता है? फेरो मैग्नेट। एक्सप्लेन करें हिस्टैरिसिस के साथ कैसे। ठीक, थोड़ा हाई लेवल का काम है ये, अभी हमने नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं। वो कह रहे हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरो मैग्नेट फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फील्ड एंड ऑल्सो ऑन हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कह रहे हैं कि फेरो मैग्नेट जब मैग्नेट बनता है, वो कितना मैग्नेट बनता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना फील्ड अप्लाई किया, और वो एक और चीज पे डिपेंड करता है कि हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हिस्ट्री का मतलब हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट हैज गॉन थ्रू एटसेट्रा, कि यानी कि एक मटेरियल अभी तक दो बार, अब रिकॉर्ड मेंटेन करें कि एक मटेरियल दो बार मैग्नेटाइज होकर डीमैग्नेटाइज हुआ, यानी कि एक बार दो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, या चार साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, या 6 बार, या 10 बार, या 20 बार, या 200 बार साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद करना। तो जो जितना याद कर पाएगा उतना ही वो मैग्नेटाइज हो पाएगा। तो
अगर उसका हम याद करने का तरीका अपना लें कि उसने कितने साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन किया या कितने उसके साथ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुए, तो उसके बेस पे मेमोरी को डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अ रिकॉर्ड और मेमोरी ऑफ इट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब सब्सटेंस के साथ मैग्नेटाइज हुआ, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार वो मैग्नेटाइज हुआ। जितनी बार वो मैग्नेटाइज हुआ उतना ही वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इफ इंफॉर्मेशन बिट्स कैन बी मेड टू कॉरस्पॉन्ड टू दीज साइकिल्स, वो कह रहे हैं ऐसा करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज सेव करना चाहते हैं, वो सेव कैसे होता है? कंप्यूटर वाले बिट्स में कन्वर्ट करते हैं 0101 में, तो उसे एसोसिएट करते हैं, मैप करते हैं वो कितनी बार उसकी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुई। अगर हम ये याद कर सकते हैं कि कितनी बार याद साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुई, हम वैसे डेटा उसके साथ मैप करके उस डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। याद रखना, तो वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को याद रखता है, उसकी हिस्ट्री को, हम अपने डेटा को उसके साथ मैप कर देते हैं, हमारा डेटा भी सेव हो जाता है। तो इस तरीके से मैपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं, हमने आगे करना नहीं है। पर हिस्टैरिसिस कैसे काम आता है मेमोरी बनाने के लिए और फेरोमैग्नेटिक कैसे यूज होता है, इसका आंसर है। हमने ऊपर ऊपर से एक बार सुन लिया, पर इससे ऊपर आएगा भी नहीं, पर वैसे बता रहा है, ये आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी में कि कौन सा मटीरियल यूज करते हैं इन मेकिंग मेमोरी, तो आप लिखेंगे फेरोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज यूज्ड फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स इन अ कैसेट प्लेयर और फॉर बिल्डिंग मेमोरी स्टोर इन अ मॉडर्न कंप्यूटर। कंप्यूटर फोन के अंदर ऐसा कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? फेरो तो कई होते हैं, क्या यूज करेंगे, उसकी कोटिंग करेंगे ताकि वो मेमोरी की तरह काम करे, या कैसेट टेप्स होती हैं उसके ऊपर कोटिंग होती है? तो आंसर है सिरामिक्स, स्पेशली ट्रीटेड बेरियम आयरन ऑक्साइड्स ऑल्सो कॉल्ड फेराइट्स आर यूज फॉर कोटिंग द सरफेस। तो ये फेराइट्स या बेरियम आयरन ऑक्साइड्स आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस इज टू बी शील्डेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड सजेस्ट अ मेथड, किसी जगह को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है। अगर मैं यही बोलता किसी जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, आप क्या करते? उसे बंद कर देते कंडक्टर के अंदर, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या हो जाता है, जीरो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को बचाना है तो कहते हैं एक काम करो, सराउंड द रीजन बाय सॉफ्ट आयरन रिंग्स, आयरन रिंग्स से उसको घेर दो। आयरन रिंग्स क्या करती हैं, एक शील्ड की तरह काम करती हैं, जैसे कंडक्टर शील्ड की तरह काम करते हैं और सब्सटेंस को मैग्नेटिक जो है फील्ड से बचाता है। वो कह रहे हैं ऑल्दो ये जो मेथड है, दिस शील्डिंग इज ओनली अप्रोक्सीमेट अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग परफेक्ट है, उसमें तो ई पक्का जीरो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें कुछ हद तक बचाया जा सकता है, बहुत हद तक नहीं बचाया जा सकता। इसका प्रूफ करना है तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म करना पड़ेगा, जो हमने किया नहीं, पर आंसर दे दिया सॉफ्ट आयरन रिंग्स में, उसको छुपा दो या बंद कर दो तो वो शील्ड हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो इस टाइप के क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे टेस्ट में, मुझे बताओ, नहीं हो पाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब इसके भी ऊपर और क्वेश्चंस हैं, ये लो पहला क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं जब ठंडे होते हैं। रूल नंबर वन, कई तरीके एक्सप्लेन करने के, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ काई, सब्सटेंस का वो कितना मैग्नेटिक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम रखोगे काई उतना ज्यादा हो जाएगा, सब्सटेंस उतना ही मैग्नेटिक रहेगा। एक आंसर ये बिल्कुल सही है, ऐसे लिख दो। दूसरा ऐसे लिख दो, जब एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है तो सारे एटम के डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, उनकी अलाइनमेंट तोड़ने के लिए उनको गर्मी देनी पड़ती है, थर्मल
एनर्जी देनी पड़ती है ताकि थर्मल एनर्जी लेके गर्म होके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करे और अलाइनमेंट तोड़ दें। पर तुम गर्मी का दे रहे हो, तुम तो ठंडे कर रहे हो, ठंडे करने से उल्टा और एनर्जी उसकी ले रहे हो, अब तो वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उतना ही क्या रहेगा, मैग्नेटाइज ही रहेगा, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होने वाला। क्यूरीज लॉ ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल। तो पहला आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कह रहे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है टेम्परेचर से इसका लेना देना ही नहीं है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो नेचर है वो कैसी है, उनके जो इंडिविजुअल एटम्स है ना वो मैग्नेट नहीं है, पहली बात। अब वो ये तो नहीं कहते कि 10 केल्विन पे मैग्नेट नहीं है, वैसे 100 केल्विन में मैग्नेट है। अब नहीं है तो नहीं है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम इंडिविजुअल मैग्नेट तो नहीं है। आप उन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल मोमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन वो ऐसे जनरेट करते हैं कि आपके अप्लाइड बी को अपोज करते हैं। अब वो किसी भी टेम्परेचर पे हो अपोजिशन तो रहेगी रहेगी, वो आपसे आपकी सपोर्ट में तो कभी आएंगे नहीं आपके मैग्नेटिक फील्ड के, तो अपोजिशन तो रहेगी रहेगी। इसलिए ये जो फैक्टर है अपोजिशन का इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें कब कहा था टेम्परेचर, हमने कहा इलेक्ट्रॉन घूमता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया BQB, तो BQB जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका टेम्परेचर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना बी का ना ई का ना वी का। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टेम्परेचर पे आप ये करोगे, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर यहां तक? थर्ड है, इफ टोरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, टोरॉइड के अंदर कहता है बिस्मथ डाल दिया, विल द फील्ड इन द कोर बी स्लाइटली ग्रेटर या लेस देन व्हेन द कोर इज एम्प्टी? बढ़ेगा कि कम होगा नेट फील्ड? बिस्मथ कौन सा मटीरियल है? डायमैग्नेटिक। दो किस्म के डायमैग्नेटिक लिखवाए थे लास्ट टाइम, कॉपर एंड बिस्मथ। कॉपर बिस्मथ आपके अप्लाइड फील्ड को हमेशा ही अपोज करते हैं, कम करते हैं। तो ऑब्वियसली जो सोलेनोइड बी लगा रहा होगा, बिस्मथ जब मैग्नेटाइज हो जाएगा आपके बी को बढ़ाएगा नहीं, आपके बी को कम करेगा। तो आंसर डिक्रीज। अगर ये बिस्मथ की जगह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो आंसर इंक्रीज हो जाता। राइट, नेक्स्ट है, इज परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? परमेबिलिटी होती क्या है भाई? μr रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बी के इंडिपेंडेंट है? देखो कोई भी बी का फॉर्मूला बोलो, ये तो पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहा है, कोई भी बी का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट बाय 4π समथिंग समथिंग, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी कोई फॉर्मूला बोल दो, बोल दिया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या म्यू नॉट है। हमने परमेबिलिटी म्यू आर को डिफाइन करना है जो क्या होगी, म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर है। तो म्यू नॉट को जब यहां पुट करेंगे यहां पे, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर है। अगर आप परमेबिलिटी रिलेटिव बढ़ाते हो तो आपका बी क्या हो जाता है, कम। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है, ठीक है यहां तक? तो परमेबिलिटी यहां पर बाय डिफॉल्ट रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है पता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में रिलेटिव परमिटिविटी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो काम यहां पर म्यू आर कर रहा है जो काम वहां पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता था। हायर द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी कम फोर्स आती थी मीडियम में, सेम है। हायर द वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम आएगा। राइट, नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट वाई। तो किसी भी पॉइंट पर फेरोमैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलता है। पहला रीजन लिख सकते हो, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है ये ओरिजिनेट जब होती हैं तो 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसने हमें बताई, मैंने भी आज ही देखी है, पहले मैंने भी नहीं देखी सच बताऊं, कि जब भी जो फेरोमैग्नेट होता है उसका म्यू आर ग्रेटर देन वन होता है। हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज में एक लिखा था, रिलेटिव परमेबिलिटी उसकी जो है वो ग्रेटर देन वन होती है, और बाहर का मीडियम लेस, इससे तो कम से कम म्यू आर की वैल्यू उसकी तो कम ही होती है जैसे वैक्यूम है। तो अब जब भी ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जब भी कोई ऐसा मटीरियल हो जिसका म्यू आर ग्रेटर देन वन हो और बाहर कम हो म्यू आर की वैल्यू, वहां पर जो लाइन ओरिजिनेट होगी वो 90 डिग्री पे ही होती है इंटरफेस पे। तो ये लिख रहे हैं कि
proof of this important fact is based on the boundary condition of magnetic field. Boundary condition का मतलब interface of two media ले लो, एक ferro, ferro में mu r क्या greater than one, और बाहर तो mu r less than one, mu r की value उतनी बड़ी नहीं होती, तो 90 degree पे निकलती है. वैसे जो ये लिखना है, ये लिख दो, property लिख दो, magnetic lines of field की property ही 90 degree पे originate होने की, बात ही खत्म. पर ये भी एक नई बात पता लगती है. Next है, would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample, कह रहा है कि पैरा सब्सटेंस लिया, उसकी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट की. तो पैरा कहता है मैं मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया, बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरो. कह रहा है एक फेरो ले लिया और फेरो कहता है मैं भी फुली मैग्नेटाइज हो गया, तो कौन जीतेगा, फेरो की पैरा, कौन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, फेरो. मैं बताना भूल गया कि मैंने पैरा को तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड दिया था टू गेट इट मैग्नेटाइज, फेरो को तो इतना सा दिया था. अब आपको ये तो बताया ही नहीं किसको इतना फील्ड दिया, या तो ये बताओ कि बराबर सर्कमस्टेंसेस में आंसर देना है. बराबर में तो फेरो जीतेगा, पर अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड ही मैग्नेटाइज करने के लिए कम दिया, फिर कौन जीतेगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. तो आंसर यही लिखा हुआ है कि वैसे तो कहता है कि जो फेरो है उसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट बड़ा ही होता है, बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सैचुरेशन रिक्वायर्स इम्प्रैक्टिकली हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ पैरामैग्नेटिक सैंपल. कह रहा अगर आपने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको हाई कर दिया पैरा के लिए और फेरो के लिए लो कर दिया, फिर ये बराबर भी हो सकते हैं. तो उसने गोलमोल सी कहानी डाल दी कि ये डिपेंड करता है, एक्चुअली ये बोल रहा है कि आपने कितना फील्ड अप्लाई किया था उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, राइट. तो दोनों चीजें लिख दी उसने कि उसने स्टार्ट यहीं से किया, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट फेरो के स्ट्रॉन्ग ही होते हैं पैरा से, तो एक्चुअल में तो फेरो स्ट्रॉन्ग है पैरा से, बट ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज हो रहा है आपने कितना फील्ड और कैसे फील्ड दिया, उस पर भी डिपेंड करता है. क्लियर है यहां तक?